Welcome to tutorial number 13. In this tutorial we talk about the corner point. ये देखो यहाँ पे corner जो है इसे हम देखेंगे कैसे use करना है. तो simply I take rectangle. So हमें जब corner लेना होता है तो हम two lines सेलेक्ट करते हैं ये और ये. तो सब कॉर्नर आता है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं. ये 77.35 mm है तो हम इसे 52 mm कर सकते हैं. तो 52 हमने कर दिया है. तो यही इसका पार्ट है. तो हम एज लाइक जैसे कि हमें अभी प्रोफाइल लाइन लेता हूँ मैं. नहीं ये नहीं कंट्रोल जेड दबाता हूँ. तो प्रोफाइल लाइन लेने से बेहतर लाइन लेता हूँ. तो लाइन लिखी है मैंने. अगर सिलेक्ट ही रखना है लाइन को तो इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्टेड रहेगी. जितने भी लाइन निकालो इसे तो ये देखो सिलेक्टेड रहे ना. ये देखो तो अभी भी सिलेक्टेड है. तो ये देखो तो ये बीच में से निकाल देते हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट टू ट्रिम. लेट्स स्टार्ट टू कॉर्नर. तो हम कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं. तो कॉर्नर पे ये लाइन और ये लाइन हम सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा कॉर्नर आ जाएगा. तो ये पूरा बाकी का ट्रिम कर देगा और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट इसके जोड़ देगा. तो इसे हम 50 ले लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा. तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. इस ऑपरेशन टूल बॉक्स ये हमें इंसर्ट में भी मिलेगा. इंसर्ट ऑपरेशन और कॉर्नर. तो कॉर्नर पे चले जाएंगे हम. तो ये अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है इसलिए ऐसा दिखा रहा है. तो हम ये ऐसा सिलेक्टेड ऐसा कर सकते हैं. इसके वैल्यू हमें ड्राइंग में दी गई होती है. इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों को पता होगा. तो इंजीनियरिंग वालों के लिए ही ये 50 कर देंगे हम. तो ऐसे अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो है डायमेंशन लेके इसे चेंज कर सकते हैं जो भी होगा. और वो बाकी का सब ट्रिम हो जाएगा. तो ऐसा ही है. अभी इस वीडियो में इतना ही. आगे का वीडियो अगले पार्ट में देखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.